है अपना रोड की पब्लिक स्कूल है, माउंटफोर्ट है, तो बच्चे वहाँ दुखी हो रहे हैं हमारे। मेरा बेटा भी जो है माउंट लिटेरा में पढ़ता है, बच्चे दुखी हो रहे हैं हम जैसों के, जो इतना घूम के जाते हैं, जाम में फंस के आते हैं, बदहाल होके आते हैं। अगर जो उनके बच्चे पढ़ते हुए होते हैं, उनका स्कूल वहाँ होता तो ये पुल आज तक HRDA लूट का केंद्र हो गया। CPU लोगों को जो है पूरे उत्पीड़न कर रहे हैं, बिजली की मेहनता कटौती, पानी की सप्लाई नहीं, सारी सड़कें टूटी पड़ी, सोलानी नदी का पुल नहीं बना, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उन्हें 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर ज़्यादा घूम के जाना पड़ता। जो होता वो एक राजनीतिक प्रकरण था, वो राजनीति चमकाने के लिए था खाली, इसके अलावा उनका उद्देश्य कुछ नहीं। सर क्या कहेंगे, आपको भी यहाँ पर बैठना पड़ा है, पानी की समस्या है, बिजली कटौती की समस्या है, CPU की बात कर रहे हैं, सोलानी पुल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के नगर विधायक हैं वो खुद धरने पर बैठ रहे हैं जो IIT है उसके खिलाफ, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए नितिन जी, पहली बार तो धरने पर बैठे प्रदीप बत्रा जी, और धरने पर भी बैठे तो ऐसे धरने पर बैठे अपनी सरकार और अपने खिलाफ। प्रदीप बत्रा जो धरने पर बैठे हैं वो अपने खिलाफ बैठे, आज तक एक भी पार्क रुड़की शहर में वो बनवा नहीं पाए। दावे बड़े बड़े करते हैं, कहते हैं सोलानी पार्क बना दिया, ये कर दिया। अरे भाई अगर बना दिया तो फिर लोगों को IIT के पार्क क्यों चाहिए? दूसरी बात देखिए, जो सरकारी संपत्ति है उसे कब्जा क्यों करना चाह रहे? रुड़की शहर की जो नदी थी, जब वो चेयरमैन बने थे कहते थे कैनोइंग का जो है एशियन स्पोर्ट्स होंगे वो होंगे, पड़े हुए हैं कि लोग वहाँ से डरते हैं। अरे रुड़की की सड़कें ठीक कर दीजिए, साला रुड़की में जो है अपना जादूगर रोड हो गई, अपना जमुना वाली सड़क हो गई जहाँ पे हमारे वो लगते हैं, वहाँ पे सड़क ठीक कर दीजिए, वहाँ लोग घूम लेंगे। लेकिन लोग डरते हैं वहाँ घूमने से, कहीं ऐसा ना हो किसी के पैर में मोच आ जाए, किसी की हड्डी टूट जाए, गड्ढे इतने हैं। का जो होता वो एक राजनीतिक प्रकरण था, वो राजनीति चमकाने के लिए था खाली, इसके अलावा उनका उद्देश्य कुछ नहीं। अच्छा समाचार पत्रों में मैंने सुना कि वहाँ थोमसो भी होने वाला है, हो सकता है टिकट विकेट दिलाने के भी वो। और समस्याओं को लेकर क्या कहेंगे? शहर की जो सड़क है उन पर गड्ढे हो रहे हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। नगर विधायक उनके लिए भी धरने पर बैठ सकते थे, ये लोग कह रहे हैं सोलानी पुल के लिए बैठ सकते हैं धरने पर, उसको लेकर सर? देखिए सोलानी पुल का मसला जो है वो विधायक प्रदीप बत्रा जी का निजी मसला नहीं है, होता तो तुरंत बन जाता। कारण क्या है, उनका स्कूल वहाँ पर नहीं है, जियो स्कूल दूसरी जगह के है, अपना रोड की पब्लिक स्कूल है, माउंटफोर्ट है, तो बच्चे वहाँ दुखी हो रहे हैं हमारे। मेरा बेटा भी जो है माउंट लिटेरा में पढ़ता है, बच्चे दुखी हो रहे हैं हम जैसों के, जो इतना घूम के जाते हैं, जाम में फंस के आते हैं, बदहाल होके आते हैं। अगर जो उनके बच्चे पढ़ते हुए होते हैं, उनका स्कूल वहाँ होता तो ये पुल आज तक बन। और दूसरी बात, डबल इंजन की सरकार है, भाजपा सरकार है, अगर ये काम करते हुए होते जिन उस पर उद्देश्यों पर बता रहे कि हमने जाल बिछा दिए सड़कों के, कोई सा एक हाईवे देख लो जिसमें एक साल के अंदर अंदर गहरे गड्ढे नहीं हो गए, टूट नहीं गई सड़कें। और इसका ताजा उदाहरण तो अभी जो है मंगलौर का पुल है, जो पिछले कई महीने से टूटा हुआ पड़ा है, गड्ढा हुआ हुआ पड़ा है, कई सारे स्कूटर मोटरसाइकिल वाले गिर के वहाँ पे जो है मतलब चोटिल हो चुके हैं। तो हमारा कहना है ये डबल इंजन की सरकार, गुंगी बहंगी सरकार है, और इसी चक्कर में इनके जो अधिकारी बैठे हैं वो भी गुंगे बहरे हो चुके हैं, वो जनहित के कार्य नहीं करना चाहते, वो केवल जो है इस भाजपा की सरकार को खुश करने का कार्य। धरना पसंद किया है जनहित के मुद्दों के लिए। सबसे पहले तो रुड़की हब का स्वागत। HRDA लूट का केंद्र हो गया। CPU लोगों को जो है पूरे उत्पीड़न कर रहे हैं, बिजली की मेहनता कटौती, पानी की सप्लाई नहीं, सारी सड़कें टूटी पड़ी, सोलानी नदी का पुल नहीं बना, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उन्हें 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर ज़्यादा घूम के जाना पड़ रहा। बहुत सारी समस्याएं हैं, गन्ने का बकाया भुगतान है, अब गन्ने का नया सीजन शुरू होने जा रहा है उसका रेट नहीं है, धान क्रय केंद्र नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, और CPU जो है जो उसका काम है सिटी पेट्रोलिंग यूनिट वो तो कर नहीं रही, इतनी चोरी हो रही, इतना नशा बिक रहा, बताओ इन्होंने कौन सी स्मैक पकड़ी। सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, ऐसा कुछ सरकार के कहने से थोड़ा, जनता का तो देखो हाल क्या है, पानी पर टैक्स, दही पर टैक्स, दूध पर टैक्स, सरकार क्या कह रही, आंकड़े मिलता ना, कर्मचारी को तनख्वाह एडवांस मिलती ना, व्यापारी को मुनाफा एडवांस मिलता, तो एडवांस कैसा कर देंगे? तो इन समस्याओं को लेकर आप बिल्कुल बैठे हैं, और जब तक इनका समाधान नहीं होगा कांग्रेस बैठेगी, भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार फेल होगी, और
हमारे इन सारे मुद्दों का पुष्टि होती है कि विधायक को भी अपनी सरकार के केंद्र के खिलाफ धरने बैठना पड़ा। सचिन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं।